देखिए, पॉलिटिकल पोस्चरिंग हो रही है, ये पॉलिटिकल पोजीशनिंग हो रही है। जितने भी देश भर में अपराधी, परिवारवादी, भ्रष्टाचारी शक्ति हैं, वो साथ मिलकर के एक व्यक्ति को हराना चाहते हैं। एक व्यक्ति जो देश को प्रगति की ओर लेके जा रहा है, एक व्यक्ति जो भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के विरुद्ध में युद्ध लड़ रहा है। तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, ये कोई पहली बार हुआ ऐसा नहीं है। ये लोग 90 में भी आए थे, 2000 में भी आए थे, 2014 में आए थे, 2019 में आए थे। 2019 का तो उदाहरण है, मायावती जी और समाजवादी पार्टी एक साथ आ गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सुनामी को कोई रोक पाया क्या? तो ये ख्याली पुलाव है, पकाने दीजिए। उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री जी से भी है, इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि जिनके साथ अभी मुख्यमंत्री ने सरकार बनाई है, वो कुछ दिन पहले तेलंगाना गए थे और किसिया से मिले थे। नहीं देखिए, देश में थर्ड फ्रंट का जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट कोई नया नहीं है। ये प्रयोग पहले भी कई बार हुआ है और पहले भी असफल हुआ है। आप मुझे बताइए कि देश के राजनीतिक इतिहास में तीसरे मोर्चे की सरकार सफलतापूर्वक कब चली है? आज तक नहीं चली है। कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं है। ये सभी लोभियों का, परिवारवादियों का, भ्रष्टाचारियों की साठगांठ है। इसका राजनीतिक शुचिता से कोई संबंध नहीं है। बहुत दुखद है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इतना समय लग गया झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को ट्वीट करने में, आप तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं? आपको इतना वक्त लग गया जब कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी, लॉ एंड ऑर्डर का मामला था और जल्द से जल्द आपको सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी, आपको इतना वक्त लग जाता है श्रद्धांजलि देने में? ये बहुत ही दुखद है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक घटना अभी आ रही है कि गोपालगंज में एक 13 साल की लड़की का गैंगरेप किया गया है, कानून व्यवस्था कैसे देखते हैं दिल्ली? कुछ ना कुछ नहीं, देखिए जैसा कि हमने बताया कि अपराधियों को संरक्षण, अपराधियों को मनोबल कब मिलता है? जब उन्हीं के जैसे प्रवृत्ति वाले लोग सरकार चलाने लगते हैं। तो जो जंगल राज की घटना है, ये तो पटना हाई कोर्ट ने 2013 में कहा था। और आप देखिए, जब से अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार बनी है, तब से घटनाएं बढ़ी हैं। वो चाहे महादलितों के खिलाफ हो, अभी दानापुर का एक मामला आया कि कस्टोडियल डेथ हो गया, लेकिन मीडिया ने खबर नहीं चलाई उसको। तो देखिएगा, जिस प्रकार से अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, हम चाहते हैं कि नीतीश जी, जो कि पहले कहते थे कि क्राइम से, करप्शन से कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, आप क्राइम से भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, करप्शन से भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। एक बात चली है ये जो कंसेंट वाली, सीबीआई वाली, इसको कैसे देखते हैं? इस बात उठी या कहीं ना कहीं तो चर्चा हुआ होगा महागठबंधन सरकार में? देखिए, निश्चित रूप से चोर की दाढ़ी में तिनका। अब सीबीआई का जनरल कंसेंट हटाना, ये चर्चा तो कल से चल ही रही है। और देख लीजिए आप किन किन राज्यों में हटाया गया है। सेक्शन 6 जो है दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट का, वो एम्पावर करता है स्टेट को, लेकिन राजस्थान में, वेस्ट बंगाल में जब छापे पड़ते हैं तो कैश का पहाड़ मिलता है। तो चोर की दाढ़ी में तिनका, जब आपके अंदर ही संदेह है, जब आपके अंदर ही शंका है, आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, आपको असुरक्षा का भाव है जो आपको लगातार परेशान कर रहा है, तो ये दर्शाता है। ये